आपके ही अपने यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन में मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनएमसी एक्ट 2019 जो 50% प्राइवेट सीट गवर्नमेंट फीस पर होनी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी तक का पहले मैं आपको जो सिचुएशन बता देता हूँ कि अभी तक क्या सिचुएशन है। तो एनएमसी ने 3 फरवरी 2022 को सभी स्टेट्स को ये एक पब्लिक नोटिस के जरिए ये बता दिया था कि इस बार से जो प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स हैं वो गवर्नमेंट फीस पर होंगी। ये एनएमसी ने सभी स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी को बता दिया था नोटिस के द्वारा, और पीएमओ ने भी ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि इस बार से यानी कि 22-23 सेशन से जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनकी 50% सीट गवर्नमेंट फीस पर होंगी। ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से भी और एनएमसी की तरफ से भी। अब जब हम एनएमसी से आरटीआई के थ्रू भी पूछते हैं तो यही रिप्लाई मिलता है कि ये 22 सेशन से प्राइवेट की जो 50% सीट से गवर्नमेंट फीस पर होंगी ऐसा कहा जाता है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट की ऑन पेपर बात, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी पीजी की काउंसलिंग भी 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये फीस फिक्स नहीं की गई है, नहीं कि यूजी की कंडीशन में की गई है और न ही पीजी की कंडीशन में की गई है। ये जो फरवरी का नोटिस था इसी के कंटिन्यूअस में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी को कुछ दिन पहले ही नोटिस देकर ये बता दिया था कि आपको 50% सीट से वो गवर्नमेंट फीस पर करनी है। इसी के तहत तमिलनाडु के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी के डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजों ने मिलकर के मद्रास हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया है, और इसमें कहा गया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि जो एनएमसी का रूल है, जो एक्ट 2019 सेक्शन 10 के अंडर ये कहा गया है, उसको चैलेंज किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और उसकी सुनवाई 8 अगस्त 2022 को है। अब आगे क्या संभावना हो सकती है, तो हम इस बात को जानते हैं कि एक तो हियरिंग में इसका डिसीजन नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, और जो भी मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आएगा वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर मद्रास हाई कोर्ट फेवर में देता है मेडिकल कॉलेजेस के तो एनएमसी इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा, और अगर एनएमसी के फेवर में देता है तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलकर के ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके जाएंगी। तो काउंसलिंग में तो देरी होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट्स के फेवर में भी ये डिसीजन दे सकता है, और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है कि आप ये 50% जो सीट गवर्नमेंट फीस पर कर रहे हैं ये तो कर दें, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग 50% सीट्स हैं उन पर आप या तो कोई सब्सिडी दें या कुछ ना कुछ इसका उपाय निकालें। तो ऐसा भी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और हो सकता है इस साल के लिए स्टे भी लग जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा हम इसके बारे में अभी संभावनाएं नहीं जता सकते, जैसा भी इसका डिसीजन रहेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 8 अगस्त को क्या डिसीजन रहता है मद्रास हाईकोर्ट का, और ये मैटर आगे कितना खिंचता है इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन फिलहाल संभावना यही है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।